उसके घर में ज्ञानामृत और भक्ति अमृत टिकता नहीं। इसलिए सदा आज के बाद हम ध्यान रखें, ये संतों की वाणी है, जहाँ गृह क्लेश होगा, किसी में लड़ाइयाँ होगी, मन मुटाव होगा, कपट होगा, छलछित्र होगा, वहाँ अमृत ज्ञानामृत टिकता नहीं, भक्ति टिकती नहीं। भगवान ने मोहिनी मोह का स्वरूप लिया, मोहिनी नाम इसलिए दिया कि वो सबको मोहित कर लेती थी। जिसे मोहिनी का मोह लग जाता है उसे अमृत नहीं लगता, मतलब जिसे मोह लग जाता है उसे अमृत नहीं मिलता। संसार की मोहिनी और मोह में जो फंस जाता है, दैत्य कौन है जो राह पर चलती कोई स्त्री पर मन फंस जाए, वही दैत्य। और मोहिनी ने, भगवान ने मोहिनी रूप लिया ही इसलिए कि दैत्यों का मन छीन लूं। मोहिनी चमकती ठमकती लमकती आगे गई और छमछम करती सबको मोहित कर ली, सब दैत्य उसके पीछे पीछे जाने लगे। मूर्ख तो थे ही, खाली इसमें तगड़े थे बल में, लेकिन यहाँ में कम थे और गूढ़ार्थ समझ न सके। जिसे देखने से विकार जगे वह सौंदर्य नहीं है, जिसके देखने से भीतर का विवेक जगे वो भीतर का सौंदर्य है। बेचारे मोहन दैत्य आगे बढ़ने लगे, दैत्य राहु ने सोचा इधर वो भाग रहे हैं और इधर नाचते नाचते देवताओं से इशारा किया तुम लोग लाइन में बैठ जाओ, और अपना अमृत पुरसने लगे। अमृत पुरसते वो बीच में, दैत्य के बीच में राहु आके बैठ गए, और जो ही देखा कि सूर्य और चंद्र के बीच में राहु आके बैठे हैं, उठा करके और चक्र चलाया और वो बीच में से काट दिए। फिर भी जितना तो कंठ तक पी गए थे, इसलिए आज भी नवग्रह के बीच में राहु और केतु जिंदा है। बुद्धि का स्वामी सूर्य है और मन का स्वामी चंद्र है। सूर्य और चंद्र के बीच में राहु केतु है। हमारी मन और बुद्धि जब ढीली पड़ जाती है, बिगड़ती है, तब राहु केतु आ जाते हैं। भाई हमारे यहाँ ज्योतिषी जी जरा देखिए राहु की दशा चल रही है क्या? हाँ, तो राहु की दशा जब चलती है जबकि हमारी मन और बुद्धि हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। देवी येशा गुणमयी मम माया दुरुत्या, आगे जा करके हर जो ही दैत्यों को पता लगा कि पूरा घड़ा खाली हो गया, तब दैत्यों ने कहा कपट कपट कपट, विष्णु तुम साड़ी पहनकर आए, तुम्हें लाज न आई, तुमने कपट किया। प्रभु ने उसी समय अपना मोह निरूप हटाया। तब शिव जी वहां पर नहीं थे, उनसे कहा गया, शिव जी मिलनातुर के लिए दौड़े कि मैंने आज तक ऐसा स्वरूप मेरे प्रभु का नहीं देखा, हरिहर एक समान है। वो आगे के लिए दौड़े कि मैं मोह में फंस जाऊंगा। मोह भगवान ने कहा क्यों फंसते हो, मेरे रूप में तो फंसेंगे, पर लेकिन नहीं, शिव जी को दिखाने के लिए, ये इतर कथा है, ठाकुर जी ने वापस मोहिनी स्वरूप लिया और भगवान उनको देख करके, शिव जी उनको देख करके वो भी नृत्य करने लगे, मोहित हो गए। बोलिए मोहिनी स्वरूप भगवान की। राजन जब संग्राम में पराजित होकर दैत्यों ने शुक्राचार्य का आश्रय लिया, तो शुक्राचार्य ने विश्वजीत यज्ञ कराया कि हमारे दैत्य को हमेशा नीचे गिर जाते हैं, तो क्या कर बलि राजा, क्या कथा बहुत है। बलि राजा ने, अब मैं पहले पहल कह रही हूं तो सब कथा, बलि राजा ने स्वर्ग जीत लिया और देवगण घबरा उठे अपने, फिर वापिस जय जय सुरनायक की कथा बहुत है। गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे, बृहस्पति ने कहा बलि जब भृगुवंशी ब्राह्मणों का अपमान करेगा तब वह नष्ट होगा, जब तक वो देवताओं, बलि ने चारों सब स्वर्ग अपवर्ग सब जीत लिए और राज करने लगा। इधर देवों की माता अतिथि दुख संतप्त हो गई, बोले क्या करूं कहां जाऊं। कश्यप ऋषि के पास आई और बोली कुछ ऐसा बताइए जिससे कि मेरे जो देव बालक हैं वो वापस अपना स्वर्ग प्राप्त कर सकें। कश्यप ने कहा दैत्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, धर्म का कवच पहनते हैं, नीति उनके शिरच्छत्र है, जीव का पापी मारता, अतः भगवान शक्ति से नहीं युक्ति से सुखी करने का मैं प्रयत्न करूंगा। कश्यप ऋषि ने कहा देवी तुम पयोव्रत को धारण करो, देवी पयोव्रत को धारण करो, फाल्गुन मास में यह व्रत करना है और विधि पूर्वक अगर तुमने 13 दिन ये पालन किया तो भगवान तुम्हारे घर में जन्म लेंगे। पति पत्नी साथ साथ अगर ईश्वर की आराधना करें तो प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ज्यादा करके तो देखो आजकल है ना, पत्नियां ही करती हैं, धर्म का डिपार्टमेंट किसके पास है?
धर्म का डिपार्टमेंट लुगाइयों के पास, किसी से कहते हैं जी आप कथा में आइए, आती है हमारी पत्नी रोज आती है आपकी कथा में, आप जरा आइए, हमारे तो यहाँ सब धर्म कर्म सब हमारी पत्नी खूब करती है, लेकिन कई कई जगह ऐसे भी होते हैं जो धर्म कर्म करके जहाँ पे पति बहुत करते हैं और पत्नियां आजकल काम वासना की तरह उठ रही हैं, तो धर्म में धर्म पत्नी पति दोनों एक साथ करें ऐसा पति पत्नी का होना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही संन्यास आश्रम की होती है और संन्यास आश्रम गृहस्थ आश्रम से ही ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। गृहस्थ को तो इन 11 इंद्रियों के लिए काम विनाश के लिए एक है, सत्संग से गृहस्थ आश्रम सफल हुआ। कश्यप अदिति का गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ था, कश्यप का अर्थ है मन, पश अक, पश मतलब देख, किसको देख, मन को देख, कश्यप अदिति जिसकी वृत्ति हमेशा समीकरण रहे, ऐसे पवित्र गृहस्थाश्रम युगल भगवान का पुत्र के रूप में हम पा सकते हैं, तो कश्यप अदिति के समान बनना पड़ेगा और पयोव्रतवत करना पड़ेगा। शंकराचार्य ने तो कहा त्वचा की मीमांसा करते हैं उसे देह का सौंदर्य मिलता है, अंदर का सौंदर्य गायब हो जाता है। जठरम पुनरपि जठरम, मैंने आपको अष्टावक्र की भी पहले परसों बात सुनाई थी कि अष्ट वो टेढ़े थे। कश्यप का अर्थ पढ़ेंगे तो पश्यक है, गृहस्थ आश्रम में भक्ति बाधक नहीं है। जितने अभी तक भक्तों के चरित्र पढ़े हैं भगवान सदा गृहस्थ आश्रम में ही प्रकट हुए। जब कोई मुनि के यहां भी आए हैं तो लड्डू गोपाल जी सीधे गृहस्थ आश्रम में ही प्रवेश कराए हैं। तो कश्यप और अदिति के गृहस्थ आश्रम से आगे पढ़े, लेकिन जब तक 9 महीने तक उसे कहा कि सत्संग करते रहना, सत्संग कभी न छोड़ा जाए, नहीं हो तो बोले आजकल संत मिलते नहीं, तो रोज तक भगवान ने अभी अपने पर बड़ी कृपा करी है, बड़ी अच्छी अच्छे धर्म आध्यात्मिक पुस्तकें निकलती हैं, हम उनके गए हुए संतों के सत्संग कर सकते हैं। भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यान्ह काल में माता अदिति के सम्मुख वामन भगवान का प्रकट हुआ। बोलो वामन भगवान मान की जय। चारों ओर उजियाला छा गया, हृदय आनंद से भर गया, कश्यप भी वामन के दर्शन के लिए बोलिए वामन भगवान की जय। माता पिता को भान कराने के लिए चतुर्भुज रूप लिया और दर्शन कराए। हमें भी ऐसा बहान हो कि हम ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, माता का पिता का हृदय आनंद से छलक गया। नारायण ने चतुर्भुज रूप उसी समय अदृश्य किया। 7 वर्ष के बटुक मैंने जानबूझ के वो सब किया नहीं, सबने कहा हम वो बनाए छतरी बनाए ये बनाए, मैंने कहा नहीं और समय चला जाएगा, पहले ही मेरे पास समय कम है। 7 वर्ष के बटुक बन गए, सुंदर लगोटी थी, आप उनके दर्शन करें, मुख पर दिव्य तेज था, ब्रह्मादि देव भी वहां पधारे, उन्होंने कश्यप अदिति को बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, आपका गृहस्थ आश्रम सफल हुआ, सार्थक हुआ, आज आप जगत पिता के माता पिता बन गए। वहां वामन जी प्रकट हुए तभी वे 7 वर्ष के थे, अतः उनकी बाल लीला का वर्णन है ही नहीं। उनको यज्ञोपवीत देने का निश्चय किया गया। यज्ञोपवीत किसने दिया, सोचो है? मैं तो कहती हूँ कि सारी लीलाओं में अर्थ है, सारी लीला हमको भगवान की ओर ले जाती है। यज्ञोपवीत की क्रिया कराई गई, यज्ञोपवीत संस्कार देने के लिए छोटे से होकर बोले अब भिक्षा मांग के लाओ। बृहस्पति जी ने वामन जी को उपदेश दिया और कहा भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, शब्द बड़े सुंदर हैं। देखिए भिक्षा मांगने जाना है, इस अन्न में मधुरता होती है। ब्रिज में मैंने खुद ने मधुकरी लेने की है ना पद्धति, पहले ब्रिज में जितने संत रहते थे वो मधुकरी मांग के खाते, मधुकरी मतलब भिक्षा, इतनी मीठी लगती थी। श्री जी ने एक बार मेरे पर भी कृपा करी और मैं भी जब ब्रज यात्रा में गई, याद है एक दफे वहां पे चरण पहाड़ी के दर्शन करने के लिए गई तो मेरे मन में आया कि मैं भी भिक्षा मांगू,
और मैंने वहीं से पैदल चल के एक कोई झोपड़ी सी थी, वो मैया उसी समय दाल रोटी बना के वहाँ रखी होगी। तो मैंने कहा देखिए दो चीज़ दो मेरे को, क्या? बोले मेरे को मधुकरी खानी है। तो मैंने कहा टेंटुए की सब्जी, क्या टेंटुए की सब्जी? टेंटुए की सब्जी और मुझे रोटी दीजिए। मैंने रोटी दाल और टेंटुए की मैंने जो फाड़ के खाया, मुझे आज तक उतना मीठा भोजन कहीं नहीं। मैंने अपने आप खा करके आपको बताया, मैंने कोई दूसरे की बात नहीं बताई है। भिक्षा बहुत पवित्र होती है, क्योंकि जो देता है वो बड़े प्रेम से देता है। और आजकल तो बिल्कुल उल्टा है, आजकल तो सबसे पहले है बूफे, बूफे खड़े होके खा लो, अपने को मर्जी हो जितना ले लो। नहीं, हमारे यहाँ पर ये नहीं है। इसलिए मुझे प्रेम से जिमाया हुआ भोजन पचता है, उसका क्या कर सकते हैं। इसलिए प्रेम से भिक्षा मांग करके सब तरफ से लाए। तो भिक्षा मांगने की पद्धति आ गई थी। उसके आगे लंगोटी जो पहनता है वो जितेंद्रिय होता है, सदा सर्वता प्रभु के साथ बातें करता है, प्रभु के साथ खेलता है। वामन जी ने जगवती जगदम्बे पार्वती जी के पास जाकर कहा ओम भगवती भिक्षा दे भिक्षाम देही में। उन्होंने कहा तुम इनसे सबसे भिक्षा मांग रहे हो। बृहस्पति जी ने कहा कि नर्मदा के किनारे अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। देखिए यहां से शुरू हो गई विधा। अश्वमेध यज्ञ करें तुम अवश्य अच्छी सी भिक्षा वहां मिलेगी, वहां जाओ। वामन जी को उस दिशा में ले जाया गया और दिया क्या, हाथ में छत्र दंड, कमर पर मृग शेखला, बगल में मृग चर्म, सिर पर जटा, गले में यज्ञोपवीत और मुख पर ब्रह्म तेज। ब्रह्म तेज के तो कहने ही क्या, भगवान स्वयं है। नर्मदा तट पर यज्ञ मंडप में पहुंच गए। बोलो वामन भगवान की। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी आ ही रहे हैं। ब्रह्म तेज के कारण ही ज्ञान सम्मान पाता है, शूद्र में वृद्ध मान भागी होते हैं। अरे सेठ साहूकार कितना ही मोटा हो जाओ, कितना ही मिलोग, अच्छा अच्छा ऊपर से कपड़ा पहन लियो, पर तेज तो कोनी ले सके। तेज तो आपके अंदर से जो सतोगुण का तेज है, जो सूर्य नारायण का, वही तेज किसी के मुख पर प्रकट होता है, भले कोई भिखारी के चेहरे पर क्यों ना हो। ब्राह्मणों ने ब्रह्मचारी भटुक का स्वागत किया, बलि राजा भी देखने लगे। उन्होंने सोचा आज तक तो कई ब्राह्मणों की सेवा की, पर ऐसा तो कोई देखने में नहीं आया। मेरे यहाँ तो द्वार पे बहुत लोग आए। बलि राजा की पत्नी का नाम था विंध्यावली, पुत्री का रत्नमाला, और नाचने लगी। जिस माता ने आपको दूध पिलाया होगा कितनी भाग्यशाली नहीं हुई होगी। यही यही जो रत्नमाला थी, यही बाद में जाके कुब्जा बनेगी, पूतना बनेगी। तो ये वात्सल्य भाव तो उमड़ पड़ा, लेकिन अंदर जब बाद में उन्होंने अपने पिता को ठगा तो उनके मन में द्वेष भी हो गया। वामन महाराज के चरणों पर विद्यावली जलधारा डालने लगी, बलि राजा चरण धोने लगे, चरण धोने लगे। एक श्लोक लो ना, स्वस्ति नहीं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करवाम ते, ब्राह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्जवपुरधरम्। देखिए पत्नी जलधारा डाल रही है, पति ये गृहस्थाश्रम है। ये तो आजकल तो कह तुम पूजा कर लेना, तो मेरी भी पूजा तुम ही कर लेना, और पत्नी कहती है आप पूजा कर लेना। ये संग संग पुरुष सूक्त का पाठ करने लगे ब्राह्मण सभी। एक लाइन तो पुरुष सूक्त गाइए। ओम सहस्र शीर घा पुरु घा सहस्र सहस्र पात सभूमि गुम सर्वात स्मृतिया। वहाँ वृषभ का पाठ चल रहा है और यहाँ सबको अर्पित करने के लिए पवित्र ब्राह्मण को चरणों तक मिलने से पवित्र हुआ, पितरों को भी सद्गति मिलती है। मैं सोचता हूँ वामन जी बलि राजा के आगे प्रशंसा के पुष्प, कुछ मांगना हो ना तो पहले सामने वाले की, पहले भाट रहते थे राजा को बड़ाई करने के लिए। वामन जी ने भी आपके क्या कहने, आप जैसा दानवीर नहीं, आप जैसा ये नहीं, आप जैसा वो नहीं, फूला देते हैं पहले। वामन जी बोले आपके पितामह प्रहलाद के समान कोई भक्त न हुआ। क्या कहा? आपके पितामह प्रहलाद के समान भक्त नहीं हुआ।
और ना कोई आज जमाने में प्रकट होने वाला है। मैंने सुना है कि आपके पिता जो विरोचन राजा थे वो भी बहुत उदार व्यक्ति थे। उनके पास तो इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर के गए तो भी दान मांगने के लिए आए हुए ब्राह्मण को निराश कैसे करें। उन्होंने आयुष्य का दान मांगा, आपके पिता ने तो आयुष्य का भी दान कर दिया। आपके परिवार में तो कोई दानी होने ही नहीं सकता है, आपके परिवार में तो कोई दानी होने ही नहीं सकता। मैंने उन पितरों को देखा है। वामन जी कहते हैं, बलवली राजा का दिख है तो 8 बरस को और बातें बड़ी बड़ी, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्या आपने मेरे पितरों को देखा है? वो क्यूरियोसिटी से पूछते हैं। हाँ, मैंने प्रपितामह हिरण्यकश्यपु का बल, वीरता, शक्ति, पितामह प्रहलाद की सी भक्ति, तीनों पितरों के गुण आपने एक साथ पाए हैं बलि राजा। महाराज जी आप जो चाहें वैसे एक साथ पाए। वामन जी फूल के कुप्पा, वामन जी नहीं सॉरी, बलि राजा फूल के कुप्पा बोले, महाराज जी जो चाहें सो मांग लीजिए। आदमी का आपके जैसा दानी नहीं तो को मांगिए, मैं अपना कुछ भी देने को तैयार हूं। बलि राजा को वामन जी ने वचनबद्ध कर लिया। मैं लोभी नहीं राजा, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं। मैं तो अपने पांव से नाप करके 3 पग पृथ्वी मांगा हूं। बलि राजा सोचो, दिखण में ही तो सुंदर और बालक देखो गमांगड़े में घनो छोटो, हाल टाबर बुद्धि है, अरे थोते ही हैं। महाराज आपने मात्र इतना मांगा 3 पग, और वो भी इतने से कि 3 पग पृथ्वी से क्या होएगा। मैं 3 पग क्या, 3 ग्राम दे देता हूं आपको। मैं जिस ब्राह्मण की पूजन कर लेता हूं, दान देता हूं, तो इतना कम दान नहीं देता। आपके पास मांगना पड़े तो मेरा ही अपमान होगा, ये दान मैं नहीं दे सकता, आप कुछ और दान मांगिए। मैं जानता हूं आप लोभी नहीं है, संतोषी हैं, लेकिन मुझे बहुत संकोच हो रहा है, 3 कदम पृथ्वी मैं नहीं दे सकता। राजन वामन जी ने कहा, राजन धन्य है, आप तो ऐसा कहेंगे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पर देखिए भैया, लोभ से लाभ बढ़ता, लाभ से लोभ बढ़ता है, लोभ से लाभ बढ़ता है, संतोष से संतोष, मैं संतोषी सदा सुखी, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे 3 कदम पृथ्वी चाहिए। भागवत कहते हैं अपने आय के 1/5 हिस्से का दान दे देना चाहिए। अरे भैया मनु महाराज ने तो 10/5 का 1/5 हिस्से का दान कोई देता है? 100 रुपये में से 5 रुपया दान के लिए निकाल के रखो, पर कोई निकालता नहीं है। भिखारी मात्र भीख मांगने के लिए नहीं, उपदेश देने के लिए आया है। आज मैं किसी सेठ के, फिर एक कहानी आ गई, मैं दान लेने आया हूं, मैं और कुछ लेने नहीं आया हूं, मुझे, मैं संतोषी ब्राह्मण, मुझे 3 चरण पृथ्वी माप के चाहिए। अब इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है, इसका अर्थ बताएं 3 हाथ पृथ्वी क्यों मांगी। देखिए 3 हाथ मतलब अगर अपने दोनों हाथ मिलाकर मापे जाएं तो 3 चरण पृथ्वी, 3 हाथ के अंदर ही अपना शरीर, ओम नमो स्वाय, ओम गोविंदाय नमो नमः, इतनी जमीन हमारी है। अगर हम सो के भी देखें तो कितनी जमीन हमारी है, उतनी जमीन आप सो कर देखिएगा, वही 3 चरण पृथ्वी मतलब 3 हाथ पृथ्वी जितनी ही अपनी जमीन है, उतनी ही जमीन बताई गई है कि संतोषी को इतना ही बोलना चाहिए कि जितना है उतना ही हमारा है। लेकिन वामन जी ने कहा भविष्य की बात, भविष्य में आज तो मुझे 3 कदम ही पृथ्वी दीजिए। किंतु यज्ञ मंडप के आचार्य शुक्राचार्य जी जान गए कि ये बात कुछ और है, ये बातें तो कर रहा है छोटी छोटी, दिख रहा है छोटा, पर बातें हैं लंबी। देवों के कार्य के हेतु ये नारायण स्वयं वामन बन के आए हैं। गुरु जी ने वहीं से कहा, राजन दान तो देना पर विवेक पूर्वक देना, ऐसे मत दे देना, दान ऐसा ना दो कि तुम दरिद्र हो जाओ। बलि राजा ने कहा, दान ना दो, आप गुरु हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर ये 3 कदम नाप कर पुदभूमि दे उसके लिए आप ना क्यों कह रहे हैं? बोले ये वामन दिखता है विराट रूप धारण कर लेगा, धन होगा तो तुम्हें काम आएगा, अगर ये सब कुछ ले लेगा तो क्या करेंगे। हाँ कलयुग होता तो कहते ही भाई, कलयुग की संतान है ना, वो धन संपत्ति की सेवा करती है और माता पिता की नहीं। धन होगा तो काम आएगा,
वृद्धावस्था के लिए कुछ न कुछ संग्रह करके रखने की जरूरत है भाई, जिससे संतान से मांगने का प्रश्न ना आए। होता है कभी कभी, देखो सभी ऐसे नहीं होते, पर जनरली ऐसा होता है कि वृद्धावस्था में मेरे खुद के देखे हुए दो जने ऐसे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ बच्चों को लुटा दिया और बाद में हालत बड़ी खराब हो गई। एक बूढ़ा आदमी था, उसने अपना सब कुछ बेटों के पढ़ाई लिखाई और बाद में शादी ब्याह में और घर भी उसको दे दिया, वृंदावन आ गया। अरे भाई क्या हालत ऐसी क्यों होगी, फटे कमीज वाला ना, फटे कमीज वाला। तो उसने कहा, उससे पूछा गया, तो उसका एक दोस्त था, उसने कहा देख भाई अगर तू ऐसे आएगा तो कह तू कभी नहीं प्राप्त कर सकेगा, तू तेरे बेटे के पास जा और एक पेटी में पत्थर डाल के उनको दे दिए, सबकी आपकी कहानी सुनी हुई होगी इसलिए आगे बढ़ते हैं। वो ले जा करके वहाँ रखा, बोले क्या हुआ, बोले मेरा ये इतना सोना वहाँ पे दबा हुआ था, वो लेकर के आगे अपने पलंग के नीचे रखा और रोज उनसे कहे सब सेवा करे कि ये बची बचा हुआ धन किसको मिलेगा। उन्होंने सबने सेवा करी, अंत में उनके 12 दिन भी बहुत अच्छे किए, इसलिए किए कि बाद में तो धन मिलने ही वाला, उसी में से कर लेंगे पाछे खोला। तो जय श्री राधे, इन चार प्रसंगों में तो बोले असत्य ना कहो। उन्होंने कहा नहीं, संसार स्वार्थी है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि मत करो। बोले क्यों, बोले मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। बोले संकल्प कराइए, मैं संकल्प नहीं कराऊंगा, भगवान वामन भगवान ने कहा संकल्प भी मैं ही करा दूंगा। फिर संकल्प कराने के लिए ओम जा, संकल्प के लिए अग्रे हो। शुक्राचार्य ने कहा मानेगा नहीं, उन्होंने छोटा रूप लेकर के वो जो संकल्प कराने की टोटी होती है उसमें चले गए। इधर से वामन भगवान जो ही संकल्प कराने गए त्यों ही देखे कि ये पानी नहीं गिर रहा है, समझ गए। उन्होंने एक कुशा ली और उसको अंदर से दबाया, जो अंदर दबाया तो आंख में गई। तब से शुक्राचार्य जी जय श्री राधे, अब संकल्प हुआ। संकल्प बोलो, ब्रह्मण रूपाय वामनाय हिमाम त्रिणी पदान पृथ्वी अहम संप्रदते। शुक्राचार्य का प्रपंच वामन जी के समझ में आ गया था, उसी से एक ही आंख से समदृष्टि से देखो। आगे बढ़े प्रभु ने कहा, संकल्प पूर्ण होते ही वामन जी ने विराट स्वरूप ले लिया। पूर्ण होते ही वामन जी ने विराट स्वरूप ले लिया और विराट स्वरूप लेकर के कहा पूरे जगत को आवृत कर लिया। विराट भगवान प्रभु के एक चरण में सारी पृथ्वी समा गई, दूसरा चरण उन्होंने ब्रह्मलोक को व्याप्त कर लिया। ब्रह्मलोक और पृथ्वी को मापने के बाद का तीसरा चरण कहां रखूं, जो ही उन्होंने कहा तीसरा चरण कहां रखूं, प्रभु ने एक चरण में पृथ्वी मापी, दूसरे चरण में ब्रह्मलोक, अब तीसरा चरण वामन जी। बोले राजन तुमने संकल्प किया था तीसरा चरण पृथ्वी दो। वामन जी ने कहा कि बात आप करते हो, दिखने में छोटे हो पर आपने मेरे साथ छल किया है, आप दिखने में इतने से थे। बोले राजन ये मेरी मर्जी है, पहले ये बताओ कि दो चरण का तीन चरण खत्म करो, उसके बाद करेंगे। जरा सोचो तो इस प्रसंग में कौन किसके साथ छल करा है। बलि राजा निष्काम थे लेकिन भगवान ने उसके साथ युद्ध नहीं किया और दान लेकर के किया। अब तू ये बता भगवान ने तीसरा चरण कहाँ रखे। कदा पुनश्चंगर थांक कल्पक भजार विंदांकुश वज्र लांचनम त्रिविक्रमात्पच्चरणाम्बुजद्वयम् मदीयमोना नमलम करिष्यति। हे त्रिविक्रम भगवान, हे आपके जो तीसरे चरण को रखने के लिए और कुछ शेष नहीं है। राजा बलि भयभीत हो गए और सप्तकुंड विंध्यावली कहने बोले कि ये सब तुम्हारी क्रिया भूमि है, अब और तो कुछ नहीं, ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है। और उन्होंने कहा मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे नहीं मालूम कौन सा। जो उन्होंने कहा शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, जो आपका हूँ आपकी शरण में आया हुआ हूँ। भगवान ने जब पूर्ण रूपेण शरण जाकर के जब अपना मस्तक आगे रखा, मस्तक में ही मनुष्य का अभिमान रहता है, उस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने तीसरा चरण बलि के मस्तक पे रखिया। बोलो भगवान हे विंध्यावली ने कहा वाह भगवान ये तो आप ही की लीला है, आपको कोई क्या दान देगा, दान देना चाह तो भी आपको कुछ नहीं दे सकता है। बलि जीवात्मा है और भगवान वहां पर खड़े हो गए। बलि राजा के हृदय में दैन्य आया,
परमात्मा का हृदय पिघल गया, उन्होंने कहा तुमने मुझे सर्वस्व का दान किया, अब मैं तुम्हारा ऋणी। देखिए क्या देते हैं भगवान को, सर्वस्व देने वाले के लिए। मैंने कहा ना भगवान को देते ही भगवान उसके लिए सब कुछ कर देते हैं। भगवान ने सर्वस्व दान देने के लिए कहा मैं तेरा ऋणी, और कहने में भी आता है भगवान ऋणी हो जाते हैं। तो बलि राजा ने उनको बांध लिया, बांध करके अपने वहां रखा। बलि जीवात्मा वामन परमात्मा शुक्राचार्य जी, शुक्र की सेवा करने वाले, तीन चरण पृथ्वी का एक और अर्थ किसी संत ने बताया, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, ये तीन गुण से भरा हुआ मनुष्य है। तीन कदम पृथ्वी मापने के लिए तीन गुणों को भगवान के अर्पण कर दो। जब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों को अर्पण कर दोगे तो गुणातीत रूप में हम हो जाएंगे। मन भी ईश्वर को अर्पण करना है। प्रभु ने जब अपने आप को उनको सौंप दिया तो कहा क्या करना, बोले बलि राजा के द्वारपाल बन जाओ। क्या बात है, कोई ऐसा भी होता है जो भगवान को द्वारपाल बनावे? हम तो करेंगे भगवान को आगे बंधाए। तब लक्ष्मी जी ने कहा मेरे पति मांगने के लिए गए थे, कहां चले गए, देखा कहीं नहीं गांगे। आनंद हुआ मां लक्ष्मी जी, बंधन वामन जी तो बंधन में फंस गए। मां लक्ष्मी जी पूछे, पत्नी रूप धारण कर दिया बलि रूप, बलि ने कहा नारद जी से, नारद जी कहां से लाऊं, मेरे पति तो चौकीदारी कर रहे हैं। देखो कितनी पुरानी अपनी परंपरा है, बलि राजा ने भगवान को चौकीदार बनाया, पर इतनी किसी की हिम्मत नहीं वापिस वो बोले कि मैं अपने घर जाऊं, वहीं चौकीदार बन गए बलि। नारद जी बड़े होशियार रहते हैं, नारद जी ने कहा कि एक उपाय बताता हूं। बोले क्या, बोले तुम धर्म बहन बन के चली जाओ, धर्म बहन बन के जाओगे तो बलि तुमको दे देंगे। क्या बात है, हमारी परंपरा संस्कृति कितनी है, जो एक बार बहन को राखी बांध ले और भाई बन के कह दे कि तू भाई है, वो भाई अपने उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाता है। क्यों रे भाई, ठीक है ना, भाई के मन में अगर कोई बहन राखी बांध देता और बहन ये कह देती है तो भाई को कटिबद्ध हो जाता है कि मुझे उसकी रक्षा करनी है। बलि राजा के पास राखी के दिन रक्षाबंधन के लिए श्रावण पूर्णिमा को लेकर के गई और उसने वहां पे राखी बांधी हुई। बलि राजा बोले बहन तुम मेरे द्वार पे आई, मेरे को राखी बांधी, मैं तुझे क्या दूं? बोले मुझे मांगने में संकोच हो रहा है। बोले काय बात का संकोच? बोले संकोच ये हो रहा है कि तेरे यहाँ जो द्वारपाल है वो मुझे दे दे। हैं, द्वारपाल मांग रही है, आज वही मांग लू, क्यों तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या, तुम उसको क्यों मांग रही हो? अजी क्या बताएं, महालक्ष्मी जी वहां से कहती हैं मेरे नारायण ये मेरे पति है, मेरे सर्वस्व तुमने बांध लिया, वो ही तुम मुझे दे दो। देखो पुराने जमाने में भाई बहन की कितनी बड़ी एक है कि बहन और भाई का रिश्ता हमारे संस्कृति में जितना ऊंचा है उतना और कहीं नहीं है। बोलिए वामन भगवान की, वामन भगवान की जय। बोलने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सीधा परीक्षित ने कहा कि ये तो बताइए आगे के क्या है। आगे अब नवम स्कंद की ओर हम प्रविष्ट करते हैं। 5:44 तो हो गए हैं, चले। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, ओ मेरा 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 मुरली मनोहर नंदलाला। जय हो गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। चंद्र भगवान की जय। आगे नवम स्कंद में पूर्ण
पर मैं पहले ही आप लोगों से माफी मांग लेती हूँ कि रामचंद्र की कथा मैं 4 लाइन में कहने वाली हूँ, क्योंकि आगे कृष्ण जन्म लाना है। सभी अगर बड़ा बड़ा के बोले तो 4 घंटा छोटा पड़ जाता। श्री राम चंद्र कृपालु भजम हरण भव मय कारुणम भव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावर भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम आजान भुज शर चाप धन संग्राम जित कर दूषण इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन मम हृदय कंज निवास कुल कामादि कल दल गंजन बोले सियावर रामचंद्र भगवान कीर। क्या ये स्तुति के बिना रहा नहीं जाता था। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला से करके अब हम नवम स्कंद की ओर प्रवेश कर रहे हैं। 7वें स्कंद से वासना के 4 उपाय बताने के बाद मत्स्य भगवान की भी कथा है, किंतु वो आगे चल पड़े। आगे चल के ये बात होता है, मन में जब तक काम है ना तब तक नहीं आता। हमें पहुंचना है भागवत के हृदय के अंदर। श्रीमद भागवत का हृदय है दशम स्कंद। दशम स्कंद के पर किसी के पास पहुंचने के पहले हमें अष्टम स्कंद नवम स्कंद तक अपने आजान बाहु सिर सबको तैयार करना है। हमें वो पचाने की शक्ति लेनी है कि हम दशम स्कंद पचा सकें। हमारे पास दशम स्कंद पचाने की शक्ति नहीं। ये थोड़ी है दशम स्कंद की देवकी ने जन्म दिया लाला लाला लाल की, ऐसा नहीं है। उसको पचाना है और पचाने के लिए श्रीमद भागवत ने नवम स्कंद की कथा कही है। ये सब पचाने की शक्ति आएगी तब हम दशम स्कंद के बालकृष्ण लाल की लीला को अंदर उतार सकेंगे। और लीला को उतारने के बाद रास लीला उसके हृदय के प्राणों तक पहुंचेंगे। रास लीला तक प्रवेश कराने के लिए सुखदेव जी ने इति परीक्षित को लीलाएं सुनाई है। सदाचार का आश्रय लें। अरे परीक्षित तू जरा शांति से सुन, कुछ खा पी ले, क्योंकि मैं आगे रास लीला तक तुझे ले जाना है। बोले नहीं, मुझे लीलाएं बहुत अच्छी लग रही है। राजा के बुद्धि को स्थिर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए नवे स्कंद में सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की थोड़ी कथा सुनाई है। और सूर्य के जो बुद्धि के स्वामी हैं और मन के स्वामी है चंद्र। सूर्य के बुद्धि के स्वामी में रामचंद्र जी की क्यों लिया गया वो बताया जाएगा कि बुद्धि के स्वामी को बुद्धि को कैसे रखा जाए, विवेक में रखा जाए और कैसा अपना जीवन बनाया जाए। और चंद्र कृष्ण के स्वामी है, वो घटते बढ़ते रहते हैं। तो मेरा लाला तो कब हूँ इथे कब हूँ उथे, घटतो बढ़तो रहे, घटती बढ़ती लीलाएं दिखाए। सो चंद्रवंश का वर्णन बाद में करेंगे। इसके बाद सबसे पहले सूर्यवंश के अंदर बुद्धि को स्थिर करने के लिए एक कथा बहुत सुंदर आती है। राजा परीक्षित से कहा कि इतने राजा होते होते मरुत संवर्त सब गुरु होते होते मनुपुत्र नभक के घर नाभाग हुए और भगवान शंपक के कृपा से नाभाग के घर भक्त अम्बरीश का जन्म हुआ। भक्त अम्बरीश की कथा थोड़े से मैं इसलिए सुननी और सुनानी आवश्यक है क्योंकि ये भक्त की कथा है और भक्त की कथा सुनने के लिए भगवान स्वयं वहाँ पधारते हैं। इसलिए ये पूरी की पूरी कथा भक्त और भगवान की है और भक्त और भगवान के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। अम्बरीश मर्यादा भक्ति के आचार्य हैं और उनके ठाकुर जी कौन थे? कांकरौली के द्वारकाधीश थे। रोज 52 मन का भोग लगाते थे। देखिए अर्चनम वंदनम, कल भक्ति के अपन ने रूप लिखे, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। ये अर्चनम वंदनम के आचार्य श्री अम्बरीश भगवान। कैसे सेवा की जाती, कैसे भक्ति की जाती है।
और बिल्कुल सेवा करने के पहले कोई रोटी नहीं खाना, कोई ये नहीं करना, ये नहीं करना, पूरा नियम से पालन करते थे। अम्बरीश का अर्थ देखिए, अंबर, अंबर के भी दो अर्थ है, अंबर मतलब कपड़ा और अंबर मतलब आकाश। जो आकाश में विराजमान हो ईश, वो ठाकुर मतलब अम्बरीश। जिसके लिए चारों तरफ भगवान ही भगवान दिखते हो वो अम्बरीश। अम्बरीश ने बाहर भीतर सब स्थानों में भगवान का रूप मान करके सदा सेवा करते थे। कोई आते महान भक्त, उनका मन भगवान के चरणों में रात और दिन लगा रहता था और वाणी भगवत गुण कीर्तन में रहती थी, हाथ हरि मंदिर की सफाई में, पांव प्रभु के क्षेत्र में, जिसको कहते हैं ना वाणी गुणानुकथने हस्तो कर्मसु, कान भगवान की उत्तम कथाओं में लगा रहता था, दोनों नेत्र मुकुंद भगवान की मां मूर्ति के दर्शन करते थे और हाथ में माला से जप किया करते थे। सेवा में कुछ हो नहीं हो मन लगा दो। मेरे को कई लोग पूछते हैं क्या करें भाई, मन नहीं लगता, मुझे तन लगा दो। बोले जहां पर तन लगेगा ना, आप अभी तन से बैठे हैं तो काफी दूर मन जाएगा, लेकिन वापिस घूम के जहां तन होगा वहां मन आ जाएगा। या जहां मन है, अगर मन ठाकुर जी के पास है तो वहां तन को ले जाओ। तन और मन का बड़ा संबंध है। हम लोग यहां पर अभी कथा सुन रहे हैं तो कईयों का मन किधर भाग रहा होगा, लेकिन घूम फिर के वो देखे कि ये तन से उठ नहीं रहा है तो वापिस यहां आ जाएगा। तो व्यस्त रहते थे। एक बार दास्य भाव की सेवा थी उनकी, मुक्त थी। एक व्रतों में सबसे कल एकादशी गई थी, कल मैंने सबको कहा था एकादशी में परिक्रमा लगा ली। एकादशी बहुत मुख्य है। 11 इंद्रियों को कंट्रोल करके, जब 11 मतलब 10 इंद्रियां और एक मन को कंट्रोल कर दे उसे एकादशी। आजकल की एकादशी थोड़ी सबेरे से हमारे यहाँ शुरू हो जाता है, बगर दही बड़ा, बगर का बड़ा, इसका डोसा, कितने रकम की वानगियां हम सुबह से देखते हैं। इतनी वानगियां जितनी मैं रोज नहीं देखती उतनी मैं एकादशी में देखती हूँ, इतनी सारी वानगियां बनती। और बोलते हैं एकादशी, तो फिर वो द्वादशी वाला बोलता है ये भी दे दो, ये भी दे दो, क्योंकि उसमें दही बड़ा बनता है, तो वो भी दे दो, वो भी दे दो। ऐसा द्वादशी एकादशी करते हैं। एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। व्रत करने का दृढ़ संकल्प भीतर से लेना। दो प्रकार के व्रत रखे जाए, एक वाणी का कंट्रोल का व्रत रखा जाए और एक मन को कंट्रोल का व्रत रखा जाए। उन्होंने और उपवास कहते हैं, उपासना कहते हैं प्रभु की तरफ सरकने को, उपवास कहते हैं जहां पर ठाकुर जी का वास हो। उपवास, हमारा वास ठाकुर जी के पास सरक के हो। एकादशी विधि पूर्वक की, अम्बरीश राजा ने एकादशी विधि पूर्वक की। वो पहले दिन भी करते थे और दूसरे दिन बारस को पारना करते थे। पारना करते हैं पहले द्वादशी के दिन, भगवान का भोग लगा दिया। इतने में दुर्वासा ऋषि जी पधार गए। राजा ने मुनि का स्वागत किया, पधारो पधारो महाराज पधारो। इस कोई भी निवृत्त मध्यान्ह कर्म से, दुर्वासा ने कहा मैं मध्यान्ह कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके आता हूँ, तब अपन साथ जलपान करेंगे, किंतु जान मुझ कर धर्म की मर्यादा को। दुर्वासा ऋषि गए वहाँ, उनको बहुत देर लग गई। ब्राह्मणों को आमंत्रण का भोजन तो दे दिया, लेकिन यदि मैं प्रसाद ग्रहण कर लूँ तो ब्राह्मण की मर्यादा भंग होती है, और जब तक पारना नहीं करूंगा तो द्वादशी पूरी हो जाएगी, तो पारना तो करना ही पड़ेगा, पारना नहीं करेंगे तो व्रत का उल्लंघन हो जाएगा। उन्होंने ठाकुर जी के चरणामृत चरणोदक को लेकर के और जरा सा चरणोदक का पान किया, वो जल वहां पर था, दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया। दुर्वासा ने कहा चलिए जलपान करने के लिए। चेगुन दुर्वासा जी कब सुनते थे, तुमने अच्छा नहीं किया, मैं अतिथि, मुझे भूखा रख के तुमने जलपान कर लिया। वो कह रहे हैं मैंने केवल चरणामृत लिया। नहीं माने दुर्वासा ऋषि ने, एक कृत्या निकाल के छोड़ी और उसकी हत्या के लिए दे दिया। ये अब सुदर्शन चक्र जो ही अम्बरीश ने को मारने चली, अम्बरीश ने की प्रार्थना भगवान से करी और भगवान अपने भक्त को कहाँ छोड़ते, उन्होंने वहीं से जो ही भगवान की ओर प्रार्थना करी, भगवान ने कहा मेरे भक्त पे जरा भी आंच नहीं आनी चाहिए। जो ही वहां से चले, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधु बिरगस्त रिधियो भक्तैर भक्त जन प्रिय। भगवान भक्त के हो, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि,
को भजे भजू मैं उनको हूँ भगतन को दा मो को भजे भजू मैं उनको हूँ भगतन को दा सेवा करे करूँ मैं सेवा हो सेवा करे करूँ मैं सेवा हो सच्चा विश्वास यही तो मेरे मन में ठणी मैं तो हूँ भगतन को दा भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतन को दा झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाति को ध्यान झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाति को ध्यान आचार विचार कछु नहीं देखूं आचार विचार कछु नहीं देखूं देखूं मैं प्रेम सम्मान भगत हित नारी बनी मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतन को दास अपनों परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं मैं छोड़ देता हूँ पर मैं भक्त का प्रण पूरा करता हूँ भक्तों की अपनों परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं साधक जाचक बनो कहे सो हो सुनिए साधक जाचक बनो प्रेम सो बेचे तो बिक जाऊं और क्या कहूं धनी मैं तो हूँ भगतन को दा भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतन को दा जो कोई भक्ति करे कपट पे उसको नहीं अपनाऊं जो कोई भक्ति करे कपट से उसको नहीं अपनाऊं जो कोई भक्ति करे कपट से उसको नहीं अपनाऊं जो कोई भक्ति करे कपट से उसको नहीं अपनाऊं साम दाम और दंड भेद से हो साम दाम और दंड भेद से सीधे रस्ते लाऊं नकल से असल बनी मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतन को दास ये दारागार पुत्रासान प्राणान वित्त में मम परम भित्वा माम शरणम याता कथम तास्तम कुमुत्सहे मई निर्बद्ध हृदया साधव समदर्शना वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्श्रिय सत्पतिम यथा साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम मुझे मेरे भक्त अति प्रिय हैं मेरे भक्त मेरे परवाह करे नहीं करे मैं भक्त की परवाह छोड़ नहीं सकता मैं भक्त मेरे लिए सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आ जाते हैं मैं भी सब कुछ छोड़कर उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाता हूँ सर्वस्व का त्याग करते हैं अपनी पत्नी पुत्र घर स्वजन यह लोग परलोक सब कुछ त्याग करके जो मेरी शरण में आए उनका मैं त्याग कैसे करूँ मेरे भक्त का जो अपराध करता है वो मेरा अपराध है उन्होंने वहीं से सुदर्शन चक्र चलाया सुदर्शन चक्र चला आगे आगे दुर्वासा जी पीछे पीछे चक्कर जी आगे आगे दुर्वासा जी पीछे इंद्र देवता के पास गए शिव जी के पास गए सबके पास गए किसी ने भी हाथ उठा दिए सबने जब भगवान कहते हैं तप और विद्या उत्तम है उसकी क्या भूल थी आप ही जरा सोचें क्या अम्बरीश ने कोई अपराध किया था उसकी कोई भूल थी उसने व्रत के हेतु पालन करने के लिए जलपान किया क्या क्या तकलीफ की उसने कुछ नहीं किया पर क्या किसी लोगों को क्या होता कुछ भी नहीं करें ना तो बस अपनी क्रोध की ज्वाला उन्हीं पर शांत कर लेते अब दुर्वासा जी को क्या लेना देना बोले ये सब तरफ गए सुदर्शन चक्र की गति नहीं रुकी दुर्वासा अम्बरीश के पास बोले ये तो भक्तराज अम्बरीश के पास जाओगे तो ही ये गति रुकेगी भक्तराज अम्बरीश के पास दुर्वासा जी गए नहीं नहीं महाराज आप वंदन करें ये शोभा नहीं लगता उन्होंने उनको वंदना की अरे आप वंदना शोभा नहीं लगती राजा ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की शांत हो जाओ यदि आज के दिन कोई दान्य पुण्य कहता है तो मेरे सारे दान पुण्य तुमको लग जाए पर तुम शांत हो जाओ शांत हो गए सुदर्शन चक्र शांत होकर लौट गया अम्बरीश की कथा में भी एक रहस्य है
ये शुद्ध भक्ति स्वरूप है और सारी सभी इंद्रियों की भक्ति इसमें बताई गई है। भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा विघ्न दुर्वासा है और दुर्वासा वही अभिमान है कि मैं बड़ा हूँ बाकी सब छोटे हैं, ऐसी दुर्भावना दुर्वासा है। लग रहा है ना यहाँ पे मैं बड़ा हूँ, ऐसी भावना दुर्वासा है। भक्ति करते अगर अहंकार हो गया तो समझ लीजिए कि दुर्वासा ऋषि आ गई। आता है ना रोज, मैं तो कौन, इतनी भक्ति करता। और एक दिन बापू के सामने भी ऐसी बात करके फला कौन इतने उत्सव करते हैं इतने करते हैं, एक अहंकार का और प्याला पी लिया। जो ही कोई अपनी भक्ति को गिनाने लगता है अहंकार का प्याला पी लेता है। सभी में श्री कृष्ण के कृत्या है कर्कश वाणी, किससे ये टूटता कृत्या है कर्कशा वाणी वाणी वाणी। मैंने वाणी का अर्थ बता दिया, वाणी में भाव और अर्थ देखी जाए, वाणी में शब्द ना देखे जाए। और यदि भक्ति शुद्ध है तो कर्कशा वाणी उसका कुछ नहीं कर सकती। श्री कृष्ण का दर्शन ही सुदर्शन है और नाम लिया उन्होंने जान लिया सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नरक में गया पढ़ पढ़ चारों वेद। अम्बरी ने दुर्वासा जी को भोजन कराया, अब इसके आगे अंशुमान हुआ, गंगा अवतरण हुआ, दिलीप ने दिलीप का पुत्र भागीरथ से वो किया। और आपको पता है गंगा अवतरण की कथा, एक लाइन में बता देती हूँ। गंगा जी का अवतरण हुआ, राजा सगर के 60,000 पुत्र उसका कोई ने उनका हाँ राजा सगन का उद्धार करने के लिए भगीरथ प्रयत्न आज तक कहा जाते हैं, तपस्या करके गंगा जी का अवतरण किया। बोलो गंगा मैया की जय। उनका गंगा अवतरण होने के बाद ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। गंगा जी भगीरथ राजा ने अवतरित किया, उनका एक नाम भागीरथी भी हुआ, उनके खटवांग राजा हुए। उसके बाद धीरे धीरे सब राजाओं की लिस्ट लगी और राजा रघु के घर अज नाम का राजा हुआ। और अज के बाद आए दशरथ। अयोध्या में राज करते थे, वे पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। मुझे ऐसा लगता है कि इतना सब करने के बजाय एक बार अपन भुसुंडी रामायण का पाठ कर लेते हैं तो राम जी पूरी के पूरी कथा तो आ जाती है, क्योंकि ये कर लेते हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीवसं भाषणम बालिनी ग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम एतद्धि रामायणम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये रामायण सुनी हुई अनुराग से सीता जी, अरे पार्वती जी और शिव जी की, शिव जी ने पार्वती जी की जो कथा सुनाई और कैसे ये पूरी रामायण हुई, इसलिए एक 5 मिनट के लिए भुसुंडी रामायण का पाठ करने से क्या होता है, राम जी की कोई कथा का मेरे से मिस हो जाए तो वो नहीं होगा, इसलिए पहले भुसुंडी रामायण का पाठ कर लेते हैं। प्रथम है न प्रथम ही अति अनुराग भवानी राम चरित सर कहे शिव खानी पुनि नारद का मोह अपारा कहे सिरहुरि रावण अवतारा प्रभु अवतार कथा पुनि गाई तब शिशु चरित बाल चरित कही विविध विधि मन मह परम उछा ऋषि आगमन कहे सिपुनि श्री रघुवीर विवाह सियावर रामचंद्र की जय। शरणम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा पुनि नृप वचन राज रस भंगा पुरवासिन कर पिर शादा कहसि राम लक्ष्मण संवादा कपिन गमन केवट अनुरागा सुर सरि उतर निवास प्रयाग बाल्मीक मिलन बखाना चित्रकूट जिमि बस भगवाना
सचिवा गमन नगर निप मरना भरता गमन प्रेम बहु मरना करि नृप क्रिया संग पुरवासी भरत गए जा राशि पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए जय पादुका अवधपुर आए भरत रहनि सुरपति सुख करनी कबुअरु अत्रि भेद पुनि बरनि कही विराद बद जेई विधि देह पजी सर्वं मरनि सुति क्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सत संग सियावर राम चंद्र जय सिया राम जय जय पिया राम जय पिया राम जय जय पिया राम कही दंडक बन पावन ताई गीत मैत्री पुनि तेहि गाई पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा हंजी सकल मुनि न कर त्रासा मुनि लक्ष्मण उपदेश अनोपा सुपन काज मिकीन कुरूपा हर दूषण बद बहुरी बखाना जिमि सब मरमत सानन जाना पुनि माया दस कंदर मारी चबत कही जय विधि भई सो सब थी कही पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुवीर बिरह बहु बरना पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमिकीनी पदिक बंद सबरी गति दीनी बहुरी बिरह रनत रघुवीर जय विधि गए सरोवर तीरा प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग पुनि सुग्रीव मिताई वाली प्राण कर भंग सियावर राम तिलक करी प्रभु कृत शैल प्रबर्शन पा बरनन वर्षा शरद अरु राम रोष कपितास सियावर राम चंद्र पद जय सारी रामायण आ रही ध्यान से सुनिए राम जय जय पिया राम जय पिया राम जय जय पिया राम यही विधि कपिपति की सपठाए सीता खोज सकल दिसिदाए विवर प्रवेश की न जई माती कपिनी बहोरी मिला संपाति सुन सब कथा समीर कुमारा नागत पयोज अपारा लंका कपि प्रवेश जिमिकीना पुनि सीतहि धीरज मन दीना मन उजारी रा बनहि प्रबोधि पुर दहि नाग बहुरी पयोधि आए कपि सब जरगुराई देही की कुशल सुनाई सहन समेत जता रघुवीरा उतरे जाई समुद्र के पार चले मिला विभीषण जय विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई जय जय पिया राम जय पिया राम जय जय पिया राम सेतु बांध कपि सैन जिमी तरी सागर पार गय उपसी थी वीर बर यही विधि बाल कुमार निश्चर की सलराई पर निश विविध प्रकार कुंभ करण घन नाद कर बल पारुष संकार सियावर राम चंद्र वद जय परिणाम जय सिया राम जय जय सिया राम चर निकर मरन विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना रावण बदे भूल राग राम चंद्र की भगवान की जय रावण बद मंदोदरी सोका राज विभीषण देव अशोक सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन कीनी स्तुति कर जोरी मुनि पुष्पक चढ़ कपिन समेता अवत चले प्रभु कृपा निकेता यही विधि राम नगर निज आए पाय सुविशिद चरित सब गाए कहे सि बहोरी राम अभिषेका पुर भर नत नृप नीति अनेक
सका समस्त प्रभु सुन जो मैं तुम सन कही भवानी सुनी सब राम कथा सजना कहत बचन मन परम उछा जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम। पूरी रामायण अपन ने पाठ किए, शायद आप लोगों को सबको रामायण की जितनी घटनाएं हैं वो सबको पता है, लेकिन अब मैं जो कहने जा रही हूँ वो प्रभु का या संतों की दी हुई वाणी कि देखिए दिन के 12 बजे राम प्रकटे और रात के 12 बजे कृष्ण प्रकटे। जो दिन में हमें कार्य करना चाहिए वो राम जी ने किया और जो हम नहीं कर सकते हैं वो रात में कृष्ण जी ने किया। और दिन के 12 बजे सताती है भूख और रात के 12 बजे सताता है काम, तो काम को जीतने के लिए रास लीला में जो राम को भजन करता है वो भूख कष्ट सहन कर, अयोध्या के लोग हैं ना या बहुत ही ऐसे होते हैं कष्ट सहन करते हैं, और हमारे वृंदावन के लोग होते हैं ना कृष्ण के चकानचक खाते हैं मलाई पूड़ियाँ ये वो माखन चकानचक वाले हैं, जिसका सब रमण करते हैं जिसको सब रमण करते हैं वह राम, सारी दुनिया का प्रतिकालक है वही राम कौशल्या के लाला हैं। भगवान के समान कोमल उदार दयावान कोई भी नहीं, भगवान राम जो करते हैं वैसा करना है और भगवान कृष्ण जो क्या सब लोगों को पता है वो कहते हैं वैसे अपन सब करते हैं ना, करते हैं ना, कोई पता भी नहीं है कि क्या कहते हैं, क्या गीता जी याद है भगवान कृष्ण तो पूरी गीता कही, भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो करना है और भगवान राम जो करते हैं वो करना है। भगवान राम का जन्म एक बार ले लूं भाई प्रकट कृपाला, उभय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुजधारी भूषण पद्माला नयन विशाला शोभा बिंदु करारी प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या कर जोरी अस्तुत तोरी कह विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना गीत कमाना वेद पुराण बनंता प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या करुणा लागे जन अनुरागे भयो प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदिका मम गुर को बापी है मुकापी सुनत धीर मन धीर न रहे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या जा जब ज्ञाना प्रभु मुसगाना चरित बहुत विद कीन चाहे कई कथा सुहाई मात बुझाई कई प्रकार खुद प्रेम है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी माता पुनि बोली सोमति डोली तजो तातिय रूपा की जय शिशु लीला हरि प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुन बचन पुजाना रोदन गाना होई बालक सुरभूप के चरित जगावै हरि पद पावै ते न परै भव को प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 देख धेनुपुर पंत हित लीन मनुज
जय राम 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 सीता राम 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 जय राम 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 सीता राम राम जय राम 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 सीता राम 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 जय राम 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 सीता राम राम जय राम 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 सीता राम 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 जय राम राम सीता राम बोलिए पियावर रामचंद्र भगवान की चारा भैयान की राम जन्म आराम देने के लिए हुआ है। राम का अर्थ आराम देने वाला। ये राम जन्म की कथा ऐसे ही बहुत सुंदर है।